आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन जो होता है आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग पाइपलाइन बिछाते हैं या पाइप के थ्रू फ्लो होता है, तो उसके थ्रू क्या मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्या हाइड्रोलिक मीन रेडियस होगा, सारी चीज़ों की आज एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पाइपलाइन है आपका, ठीक है। इस पाइपलाइन में डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, जो वाटर की डेप्थ होती है, लिक्विड है आपका, उसका डेप्थ ऑफ फ्लो एवरी क्रॉस सेक्शन पे वैरी करता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है इसका डेप्थ ऑफ फ्लो। इसलिए इसकी थोड़ी एनालिसिस डिफरेंट तरीके से करेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर और ट्रेपोजोइडल में किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो सबसे पहले डायग्राम ये देखिए, ये है आपका सर्कुलर सेक्शन। इसमें देख सकते हैं कि जो बॉटम पार्ट है, जो हैचेज लाइन से दिख रहा है, ये आपका एरिया ऑफ फ्लो है, मतलब इसमें इतनी लिक्विड फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसका डेप्थ क्या है, स्मॉल डी, ठीक है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है। अब इस एरिया ऑफ फ्लो को लेकर एक त्रिज्या खंड बनती है, ठीक है, ये आपका त्रिज्या खंड बनती है जिसका एंगल क्या है, 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि दो अलग अलग ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है, ये एक अलग ट्रायंगल है और ये अलग ट्रायंगल है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है, ये इस ट्रायंगल के लिए थीटा और इस ट्रायंगल के लिए थीटा, और ओवरऑल जो एंगल है वो आपका 2 थीटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि जो वेटेड पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर कौन सा होगा, जो वाटर के द्वारा सरकमफेरेंस वेटेड किया गया है, यही सरकमफेरेंस है। इस सरकमफेरेंस को निकालना है आपको, और एक चीज़ और क्या निकालना है आपको, और दूसरी चीज़ होती है एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे, ये देखिए जो ग्रीन लाइन से दिख रही है, ये टोटल एरिया है। अब इस टोटल एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें तो आपका एरिया ऑफ फ्लो आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब चलते हैं आगे, वेटेड पेरीमीटर होगा आपका पी, एंगल इनटू रेडियस, एंगल कितना है आपका 2 थीटा, और रेडियस क्या है आपका आर, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका जो पेरीमीटर आ गया, वेटेड पेरीमीटर 2r थीटा, ठीक है, जो थीटा है वो रेडियन में दिया हुआ, डिग्री में नहीं है। डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब उसको हम एनालिसिस करेंगे, अभी यहाँ पे डेरिवेशन पे चलते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लो निकालना है आपको, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, तो जो एरिया ऑफ फ्लो है, देखिए एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, पहले एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ, देखिए ओ ए डी बी ओ, ठीक है, ये एरिया है, उसमें से एरिया माइनस करना है ओ ए बी, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ एरिया ऑफ फ्लो मिल जाएगा। तो अब हम लोग एरिया निकालते हैं, तो देखिए जैसे जो आपका ट्रायंगल सर्कुलर होता है, सर्किल होता है ना, तो उसमें टोटल एंगल कितना होता है 2π, यहाँ पे ध्यान देंगे इस ब्लॉक, छोटे से ब्लॉक में टोटल एंगल कितना होता है 2π, और उसके लिए एरिया कितना होता है πr², ठीक है, यही एरिया होता है। अब 1 रेडियन के लिए अगर, सॉरी
अगर एक डिग्री के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 पाई को नीचे लेकर के जाएंगे, तो इधर का पोर्शन जो होगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई होगा, ठीक है। अब आपको जो एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है वो टू थीटा के लिए निकालना है। यहाँ पे जो एंगल है त्रिज्याखंड में वो कितना है एंगल, 2 थीटा। तो वो जो एंगल है उसके लिए आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, इसमें क्या करेंगे 2 थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है, तो आपका जो एरिया बचेगा है ना 2 थीटा एंगल के द्वारा जो एरिया बनेगा वो होगा आपका आर स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। ये साइड का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है कि जो 2 थीटा से जो एरिया बनेगा वो आर स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ है वो है आपका आर स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया है उसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, 1 मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी देख रहे हैं यहाँ पे, ओ ए सी ये आपका ओ ए सी है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी या ओ बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी और एक ट्रायंगल कौन सा है ओ एस सी, इन दोनों का एरिया अगर ऐड कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ जाएगा, ठीक है। यही करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो जो बड़ा सा ट्रायंगल है यहाँ पे देखिए, ये आपका बड़ा सा ट्रायंगल है ओ ए बी, ये दुगना है किसका, ओ ए सी का, है ना, ओ ए सी का डबल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी, ठीक है। तो ओ ए सी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हैं कि आपको ए सी और ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तब इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग चले जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ट्रायंगल ए ओ सी में, पहले ए ओ सी में, ठीक है, इस वाले में क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अप्लाई किया आपने, तो थीटा के सामने वाला आपका लंब होगा, ठीक है ना, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो ए सी अपॉन ओ सी होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी, ठीक है। तो ओ सी क्या है आपका, ओ सी आपका आर है, यहाँ से ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करके आ गया है आपके पास आर साइन थीटा, यानी कि ए सी का वैल्यू आपको पता है आर साइन थीटा। अब दूसरे ट्रायंगल में चल रहे हैं, ट्रायंगल ओ बी सी में हमको फाइंड आउट क्या करना है, ओ सी फाइंड आउट करना है। तो हमने इसमें कॉस थीटा अप्लाई किया है, ठीक है, इसमें क्या किया है हमने, कॉस थीटा अप्लाई किया है, ये एंगल आपका थीटा है, इसके सामने का लंब होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा जब इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो ओ सी अपॉन ओ बी होगा आपका, तो ओ सी आपको ओ बी पता है, ओ बी क्या है आपका आर है, तो उस तरह से जो ओ सी आएगा आपका आर कॉस थीटा आएगा, है ना, ओ सी क्या आएगा आपका आर कॉस थीटा, यहाँ पे हमने ओ सी का वैल्यू रखा आर कॉस थीटा, तो आर से आर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे कि 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो हो गया आपका आर स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बराबर क्या होता है आपका
साइन टू थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ से जो आपका एरिया ऑफ ओ ए बी आएगा वो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन टू थीटा। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ फ्लो आपका क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये है जो ये जो है आर स्क्वायर थीटा क्या है, एरिया ऑफ ओ ए डी बी, यही था ठीक है। माइनस हम लोग क्या कर रहे थे, इस वाले ट्रायंगल की एरिया को हम लोग माइनस कर रहे थे ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसमें से, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आया है वो क्या है, आर स्क्वायर अपॉन टू साइन टू थीटा। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ फ्लो ठीक है। अब आपको वेटेड पेरीमीटर पता है, एरिया ऑफ फ्लो पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन पी। आपने ए का वैल्यू रखा, ए का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन टू थीटा अपॉन टू आर थीटा। हमने अब क्या किया है कि आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन किया अपॉन टू आर थीटा, इधर क्या बचा आपको, थीटा माइनस साइन टू थीटा अपॉन टू ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है। अब आपका जो फाइनल हाइड्रोलिक मीन रेडियस बचा है वो है आपका आर अपॉन टू थीटा इंटू थीटा माइनस साइन टू थीटा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है ठीक है। आई होप आपको वेटेड पेरीमीटर, एरिया ऑफ फ्लो और हाइड्रोलिक मीन रेडियस समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।